आज यू एट पी जी का एग्जामिनेशन खत्म हुआ है दैट वॉज मैंट फॉर योर बी एच यू एल एल बी एज वेल एंड सभी स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है उसमें मोस्टली एक सेम क्वेश्चन मुझे यही देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स आर सेंग कि मैथ्स के क्वेश्चन इतने ज़्यादा कैसे आ गए तो आई एम गोइन टू एड्रेस दिस इन दिस वीडियो एंड ऑल्सो वी आर गोइंट टू टॉक अबाउट द रिलेशन ऑफ मैथ्स विद डी यू एल एल बी हाई गाइज़ आई एम आयु शी योर मेंट ऑफ अ लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एंड वेलकम टू लॉ डाइजस्ट नाउ सबसे पहले मैं एक मेन आपको यही बात बोलना चाहूँगी दैट इज़ वॉट आईव टोल्ड टू स्टूडेंट्स ऑल्सो जिनके मैसेजेस आए हैं मैथ्स को लेके कि अगर आपने देखा होगा जो भी मैंने वीडियो बनाई है सी यू एड पी जी पे आ, या फिर अभी जो मैंने फाइनली एक वीक पहले जो वीडियो डाला है आपका सी यू एट पी एग्जाम होने से पहले आई है क्लियरली शेयर द टॉपिक उसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि लीगल का कहीं पे भी मेंशन नहीं है आई स्पेसिफिकली टोल्ड यू जब सी यू एट पी का नोटिफिकेशन आया था विद द सिलेबस एंड ऑल आई टोल्ड यू क्लियरली दैट लीगल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस देन हाउ कम यू आर एक्सपेक्टिंग लीगल टू बी पार्ट ऑफ द सिलेबस यू कुड नॉट हैव एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्राम कॉन्ट्रैक्ट टॉट वगैरह आप यहाँ से क्यों ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे थे आई रियली डोंट अंडरस्टैंड आप अगर सी यू एट पी जी की वेबसाइट पर जाके देखोगे वहाँ पे सिलेबस का पी डी एफ दिया है ये सभी बातें आई एम जस्ट रिपीटिंग ये मैं अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि लीगल वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस सिलेबस में क्लियरली गिवन था कि आपका इंग्लिश होगा लॉजिकल रीजनिंग मैथ्स होगा जी के होगा कंप्यूटर्स होगा कंप्यूटर्स पर मैंने कितनी बार स्ट्रेस दिया एंड आई टोल्ड यू टाइम इन अगेन दैट कंप्यूटर्स बेसिक टाइप ही आएगा तो कंप्यूटर्स की तैयारी कर लें ऑनलाइन देख लें कंप्यूटर के पी डी एफ्स इनफैक्ट आई रेफर्ड यू टू माई जी के कोर्स जहाँ पर मैंने कंप्यूटर का uh, भी लेसन्स बना के डाले हुए हैं तो uh, सबसे पहले तो इसी क्वेरी को मैं एड्रेस कर रही हूँ कि मैथ्स नहीं मैथ्स आया लीगल नहीं आया इसका आंसर अब मैं आपको क्लियरली दे चुकी हूँ लीगल वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ़ द सिलेबस मैथ्स वॉज अ पार्ट ऑफ़ द सिलेबस इसीलिए ये चीज़ें एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिली अब बी एच यू में अगर इससे पहले भी बात करें हमेशा बी एच यू का एग्जामिनेशन मोस्टली डी यू से पहले ही होता है एंड पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है जब लीगल वॉज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस एज वेल कि बी एच यू में मैथ्स पूछा गया थर्टी थर्टी फाइव क्वेश्चन मैथ्स से आए Uh, जब 150 मार्क्स uh, का 150 फिफ्टी क्वेश्चन का पेपर हुआ करता था विदाउट द सी यू एट पी जी पैटर्न अब वहाँ पर भी मैथ्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी एंड एवरी यू नो स्टूडेंट्स यूज़ टू गेट व रेट कि बी एच यू में क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं तो डी यू में भी आएंगे कि नहीं तब भी मैं आपको यही बोला करती थी कि मैथ इज अ पार्ट ऑफ़ द सिलेबस आप देख सकते हो प्रीवियस ए क्वेश्चन के बेसिस पे मैथ से क्वेश्चन आते ही हैं 150 फिफ्टी क्वेश्चन का अगर पूरा पेपर है तो यू कैन एक्सपेक्ट ना कि थोड़ा सा तो आएगा ना मैथ से अगर पाँच ही सेक्शंस हैं तो अगर हम उसको डिवाइड करें थर्टी क्वेश्चन ऑन एन एवरेज फ्रॉम पर टॉपिक बनते हैं तो क्वेश्चन तो आएगा ही नाउ कमिंग ऑन टू द रीजनिंग की डी यू में ये हम एक्सपेक्ट करते हैं मैथ्स या नहीं अगर आप डी के के पास पेपर्स देखोगे क्या आपने वहां पे मैथ्स uh, का सच क्वेश्चन देखे हैं दो तीन के अलावा इतने ज्यादा क्वेश्चन मैथ्स से नहीं आए हैं डी में तो अगर आप वरिड हैं कि क्या डी में ऐसा हो जाएगा देन आई डोंट थिंक इट इज़ लाइकली कि मैथ से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएँ दो तीन क्वेश्चन मैथ से हाँ ज़रूर आ सकते हैं उसके लिए आई कीप टेलिंग यू कि आप जो है अप्रोच देखिए बार बार आई कीप टेलिंग यू कि अगर टाइम नहीं है मैथ्स के लिए व्हाट यू कैन डू इज फॉर्मूलाज याद कीजिए और अप्रोच देखिए कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है सो so, इस बार भी मैं आपको यही कहूँगी फॉर डी कि इफ़ यू आर वारेड कि मैथ्स आ तो नहीं जाएगा एंड यू आर वीक एट एट योर बैड एट इट देन आई वुड से कि थोड़ा अगर आप इस चीज़ पर काम कर लेंगे देन आई थिंक इट विल हेल्प यू कि आप फॉर्मूलाज देख लेंगे देख लेंगे किस तरह से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है ना बेसिकली अगर हम वेटेज की बात करें इस पेपर की तो वीव सीन फ्राम वट स्टूडेंट्स हैव सेट कि ऐसा बोला जा रहा है मैथ्स इंग्लिश और स्टैटिक जी के में फिजिक्स यहाँ से हमारा आ, बहुत ज़्यादा पेपर आया है एटी परसेंट पेपर यहाँ से आया कॉन्स्टिट्यूशन के तीन चार क्वेश्चन आए हैं यू uh, एन से भी दो तीन क्वेश्चन आए हैं करंट अफेयर्स में अवार्ड से दो तीन क्वेश्चन आए हैं लॉजिकल की अगर बात करें तो ज़्यादा क्वेश्चन कॉज एंड इफेक्ट अ सोशल रीजनिंग यानी क्रिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं तो ये अभी स्टूडेंट्स का फीडबैक है जैसे ही पेपर आता है वील गेट अ बेटर आइडिया अबाउट इट कि किस तरह से पेपर आया है एंड वी कैन हैव अ बेटर लुक एट इट अगर हम बात करें अगर अभी कट ऑफ की क्योंकि स्टूडेंट्स का इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एप्रेंशन रहता है तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपने 65 परसेंट पेपर अपना सही किया है देन आई थिंक यू माइट हैव द चान्सिस दिस पेपर इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार ये पेपर हो रहा है हमें कोई कट ऑफ का बैकग्राउंड कुछ नहीं पता है वील हैव टू सी कि कैसा कट ऑफ आता है अभी तक के जो पुराने कट ऑफ्स हैं उसके बेसिस पे भी आई कॉन्ट टेल यू बिकॉज वहाँ पर लीगल से क्वेश्चन आते थे एंड लीगल में क्या होता है क्वेश्चन अगर आपने कॉन्सेप्ट शोट शॉर्ट पढ़े हैं तो आपके मार्क्स आएंगे ही आएंगे यहाँ पर थोड़ा पैटर्न डिफरेंट है तो उस बेसिस पे आई कॉन्ट रियली से प्रीवियस uh, ईयर से इस बार का कट ऑफ क्या मैच करेगा या नहीं वो देखने की बात है कि करता है या नहीं बट आई वुड से कि नॉर्मली ऐसे एग्ज़ाम्स में यही होता है कि अगर आप 65 फाइव टू सेवेंटी परसेंट पेपर एकदम सही से कर लें तो चांसेस uh, आपके रहते हैं टू क्लियर द कट ऑफ नाओ पीपल अब डोंट गेट बॉदर्ड बाय दिस बी एच यू एग्जामिनेशन अगर आपका नहीं सही हुआ है डोंट गेट सो बॉक्टअप बाय इट अभी डी के लिए प्रिपरेशन करना है डेट्स अभी नहीं आई हैं स्टूडेंट्स डेट्स के लिए भी पूछते रहते हैं कंटिन्यूसली कभी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है नोटिफिकेशन के बाद आई एम होपिंग ट्वेंटी थर्टी डेज का टाइम मिलता ही है नॉर्मली नोटिस पीरियड तो उतना टाइम आपको मिलेगा तो अपनी डी की तैयारी करते रहिए मैथ्स का अगर आपको डर लग गया है बी के पेपर से देन वाई नॉट यू नो वर्क टूवर्ड्स इट थोड़ा सा आप क्वेश्चन देखिए मैथ्स के सिक्स टू टेंथ बेसिक मैथ्स आपकी आती है उसके टॉपिक्स भी मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ आप मेक श्योर दैट यू डोंट रिपीट द मिस्टेक इन डी यू एल एल बी एक बार टॉपिक्स का वीडियो ज़रूर देख लीजिए सिलेबस वीडियो देख लीजिए सो दैट यू आर क्लियर कि डी यू का पेपर पैटर्न कैसा है कैसा सिलेबस है ऐसा भी बीच में रूमर था कि ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन हर सेक्शन से आएंगे कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया एक दो जगह पे ऐसी बातें बोली गई बट देन दे कुड नॉट वाउच फॉर इट वेरीफाई इट कि वो कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं सो आई वुड से कि वी आर रिलाइंग ऑन दी ओल्ड पैटर्न ओनली उसी हिसाब से चलते हैं एंड मैथ्स uh, के लिए एज ए सैड थोड़ा अपनी तरफ से एफर्ट आप कर सकते हैं अगर आपको डर है या आपकी मैथ्स वीक है आई होप uh, थोड़ी सी आपको क्लैरिटी मिली होगी ऑन दिस पेपर एज वेल एज द कमिंग डी यू एल बी पेपर जस्ट इनकेस अभी भी कोई डाउट या क्वेरी है आपके दिमाग में तो उसको कॉमेंट बॉक्स में डालिए एंड ऑल्सो की फॉलोइंग दिस चैनल की फॉलोइंग एस ऑन इंस्टाग्राम ताकि ऐसी और अपडेट्स आपको मिलती रहे